पता हो, यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है और संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है, इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द नरेंद्र मोदी ने कहा था, मेक इन इंडिया कहा था ना। अब आप जहां भी देखो, मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया, जहां भी देखो, अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो, नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी, आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं, उसको मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, पूरा देश उसको देख सकता है। दूसरी बात, मेन मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट कह देता हूं मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा, हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं हो रहा। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने महिला का रेप किया है, बीजेपी के एमएलए ने लड़की की गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाया गया, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। अब मैं बात करता हूं माफी मांगने की, मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगने वाला हूं। थैंक यू।